आसमान का फर्क है। जब और सरकारें आती थी तो वे लाल टोपी वाले होते थे, और जब हमारी सरकार लाभ देती है तो वो सबके साथ और सबके विकास से देती है, तो हम उसमें लाल टोपी नहीं देखते हैं, हम उसमें जाति और धर्म नहीं देखते हैं, हम उसमें देखते हैं केवल जो पीड़ित है, जो आश्रित है, जिसको अधिकार है वो उसको हम देने का काम करते हैं। तो ये फर्क साफ है। आपने देखा होगा कि जब लाल टोपी वालों को साइकिल बंटती थी, अब सबको मिलती है। जब देखा था कि एक वर्ग को वो दिया करते थे, अब चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो किसी भी जाति का, वो सबको समानता के आधार पर जाती है। तो हमारी सरकार में फर्क साफ है, यह आपको देखने को मिलता होगा। मैं फिर वही कहूंगा, हम दो और हमारे तीन, कुल मिलाकर के पांच, पांच करने चाहिए। किन्हें करने चाहिए? सभी को, देश को, देश को अभी बूढ़ा हो जाएगा देश। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सचेतन चंद्र मिश्रा का एक बयान सामने आया है, उन्होंने योगी जी को सनातन धर्म का विरोधी बताया है, ब्राह्मणों का दुश्मन बताया है, उसका क्या कहेंगे? देखिए, वो उस पार्टी के नेता है जहाँ सनातन और हिंदू दोनों पर काम नहीं है। वे लोग उस श्रेणी के नेता हैं जहां भगवान विष्णु को, भगवान गणेश जी के मूर्ति पर वो उसको ढोंग बताने का काम करते हैं, वो भगवान पर आरोप लगाने का काम करते हैं। वो उस पार्टी के नेता हैं जब वो तिलक तराजू और तलवार जूतों मारे चार की बात करते हैं, और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम करते हैं। सर, सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो, आपने कहा कि हम दो हमारे तीन, ये मेरा अपना निजी राय है, मेरे हमेशा मैं रहूंगा इस देश को आगे बूढ़ा होना, बूढ़े से बचाना।